नमस्कार साथियों, मैं विशाल भाई पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके परिवार एजुकेशन मसाला पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई, जो ग्रामीण बैंक में भर्ती निकली थी IBPS RRB क्लर्क PO और भी बहुत सारी वैकेंसीज को आउट किया गया था, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है, इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। टोटल जो वैकेंसी की बात की जाए तो भाई यहाँ पर 10,000 वैकेंसीज को आउट किया गया है, 9,995 वैकेंसीज, और ये टेंडेटिव वैकेंसी हैं, ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, कुछ बैंक से डेटा नहीं जारी किया गया है, और जैसे ही वो डेटा जारी कर दिया जाएगा तो वैकेंसीज ऐड हो जाएंगी और जो 10,000 से ऊपर पहुंच जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है, अभी जो आपके पास नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि टोटल वैकेंसीज आपको यहां पर दिख रही होंगी 9,995 999 5। ठीक है, तो इतनी वैकेंसीज को आउट किया गया है। अब सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, तो ये जो पहली दो वैकेंसीज हैं मेन बात करेंगे इन्हीं दोनों पर। ये जो है वो आपके क्लर्क की वैकेंसी बोली जाती है, जो ऑफिस असिस्टेंट हो गया, दूसरा आपका है ऑफिसर स्केल 1, ये PO की वैकेंसी है। अब इन दोनों के लिए आपको अलग से कोई भी डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा एक्सपीरियंस भी इसमें नहीं मांगा जाता है। आगे जो आप ये वैकेंसीज देख रहे हो इसमें कहीं ना कहीं आपको डिग्री डिप्लोमा और एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें मांगी जाती हैं। मेन जो वैकेंसीज हैं वो आपकी ये दोनों हैं। ठीक है, और इन वैकेंसीज में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट हैं, ये आपका लगभग 5,500 से भी ज़्यादा क्लर्क में है, और 3,500 वैकेंसीज जो आपको दिख रही होंगी ये PO में है। तो अभी तक 2-3 सालों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस साल निकल कर आ रही हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो भाई यहाँ पर आपका जो फॉर्म फिल है वो 7 जून से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसकी जो है वो 27 जून है, 7 से 27 के बीच आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉल लेटर प्री एग्जामिनेशन PET के लिए ये आपका जुलाई में आ जाएगा, एंड उसके बाद में ये जो प्री एग्ज़ाम PET है ये आपका 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आगे जो है आप देख रहे हो कॉल लेटर फॉर ये आपका प्रीलिम्स के लिए जुलाई और अगस्त 2024, यानी आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, हर एक चीज़ पहले से ही बता दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आपका लास्ट में अलॉटमेंट तक के भी दे दिया गया है कि भाई जनवरी 2025 तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको जॉब दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी आप यहाँ पर डेट देख लीजिएगा, 22 से 27। ठीक है, ये जुलाई में आपका होने वाला है, प्री हो गया, मेंस हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप डिटेल में चीज़ों को देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर दीजिएगा। और फॉर्म फीस की बात करें तो स्केल 1, 2, 3 इसके लिए जो है 175 रुपये फॉर्म फीस है, और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी अदर कैंडिडेट की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा 850। ठीक है, OBC जनरल वालों के लिए जो है वो 850 हो गया। अब ये ऑफिस असिस्टेंट ये किसको बोला जाता है, ये आपका क्लर्क। ठीक है, ये जो है वो क्लर्क के लिए क्या है, 175 किसका है SC ST PWD वालों के लिए, और 850 जो है वो किसका है, OBC और जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जितनी भी वैकेंसीज आपने अभी देखी थी पहली स्लाइड में, जितनी टोटल, उन सभी में ग्रेजुएशन तो मांगा गया है, ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है जो ग्रेजुएशन से जिसमें कम डिग्री मांग रहे हों, कम एलिजिबिलिटी मांगी गई हो, सभी में ग्रेजुएशन तो आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट अलग अलग दे रखी है। अब जैसे ये आपका क्लर्क हो गया, तो क्लर्क के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 28 है। ये किसकी है, ये जनरल वालों के लिए है, अगर आप OBC में हो तो 3 साल ऐड कर लेना, और SC ST में हो तो 5 साल ऐड कर लेना। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1 ये आपका हो गया PO के लिए, तो 18 से 30, PO के लिए आपके 18 से 30 हो गए। आगे देखिए सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 उसके लिए दे रखा है, और अदर पोस्ट के लिए 21 से लेकर के 32 साल तक एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट, अब भाई बात आती है यहाँ पर एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो किस तरीके का होगा, क्लर्क में आप लोगों को पता होगा पहले आपका प्री होगा फिर मेंस होगा। ठीक है, और PO की बात करें तो भाई PO में 3 स्टेज होंगे, पहले आपका प्री होगा फिर मेंस होगा एंड उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले भाई बात करें, ये आपका क्लर्क हो गया, तो क्लर्क के प्रीलिम्स की बात करें
क्लर्क के प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर ना ही आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, ना ही आपका हिंदी पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपका रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, ठीक है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे दोनों के, और 40 40 नंबर ही आपको दिए जाएंगे, यानी 80 क्वेश्चन 80 नंबर, और टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट। तो इस 45 मिनट में आपको टोटल 80 क्वेश्चन करने होंगे। ये किसका है? ये क्लर्क का प्रीलिम्स है। अब क्लर्क का जो है वो हम लोग मेंस देख लेते हैं, ठीक है, मेंस देख लेते हैं। तो भाई मेंस में क्या होगा, आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जिसमें आपका रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और मैथ हो गया। ये इतने सब्जेक्ट हो गए। अगर सभी के मार्क्स की बात की जाए तो भाई रीजनिंग में आपका 40 नंबर हो गया, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, जीएस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो इस तरीके से टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिनकी वैल्यू 200 ही होगी, 200 नंबर का ही पेपर आपका होगा। और यहाँ पर आप देखिए टाइम जो है वो आपको 2 घंटा मिलने वाला है, 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, और क्लर्क में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। अब बारी आती है पीओ, पीओ एग्जाम की हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जिसको ऑफिसर स्केल 1 बोला जाता है। तो भाई पीओ के लिए आपका प्रीलिम्स कैसा होगा, पीओ के लिए प्रीलिम्स कैसा होगा तो देख लीजिए, रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 80 क्वेश्चन 80 नंबर, ठीक है, 45 मिनट का टाइम होगा। तो क्या सर जी यहाँ पर पीओ और क्लर्क दोनों के लिए प्रीलिम्स सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। चाहे आप किसी SBI या अदर किसी में भी जाओगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये ग्रामीण बैंक वाले में आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग होता है। इसका दोनों का सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है प्रीलिम्स की बात करें। अब अगर पीओ के मेंस की बात करें तो उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है भाई, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर, GS 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और मैथ 40 क्वेश्चन 50 नंबर। 200 क्वेश्चन आपके होंगे 200 नंबर का, और यहाँ पर 2 घंटे के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुँचानी थी। अगर आपने फॉर्म नहीं अभी तक फिल किया है तो इसको फिल कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी स्टूडेंट दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।